102 के एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने तमाम साथियों के साथ बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल कर दिया, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना काल में दिन भर मेहनत करने के बावजूद जब इनकी पुकार नहीं सुनी गई तो 10 सूत्री मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल एम्बुलेंस कर्मियों ने कर दिया है, जिसके कारण अस्पताल से लेकर पूरे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई है और नहीं तो मरीजों की परेशानियों भी बढ़ गई हैं। मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर हड़ताल पर क्यों गए एम्बुलेंस कर्मी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 सीएस मुर्दाबाद, 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 खान पीडीपीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीडीपीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम लोगों का है कि 12 घंटा के बजाय 8 घंटे की ड्यूटी दिए जाए। हम लोग 8 घंटा, अगर 12 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं तो उसका अतिरिक्त भुगतान किए जाए। सभी कर्मचारियों का कम से कम वार्षिक वृद्धि का ये लोग जो समझौता हुआ था श्रम अधीक्षक के समक्ष, और वहाँ पे त्रिपक्षीय वार्ता हुई। त्रिपक्षीय वार्ता 8/8/2020 को हुआ, 8/8/2019 को, जिसमें ये लोग समझौता किए थे कि प्रत्येक साल मई में आप लोगों का 10% वेतन वृद्धि होगी, जो इस फैसले से वो लोग मुकर गए। ये फैसला भी नहीं मान रहे, इस साल भी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम आप लोगों का 2% बढ़ाएंगे। इससे सारे बिहार में सभी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। कितने दिन हड़ताल चलेगी? अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता ही रहेगा। इस कोरोना महामारी में सारे स्वास्थ्य विभाग के हरेक कर्मचारी को, यहाँ तक कि चपरासी को भी, डॉक्टर जिस पेशेंट को देखने के लिए 4 मीटर की दूरी बनाते थे, उस पेशेंट को एम्बुलेंस कर्मियों के सर पर लाद दिया जाता था कि तुम इसको लेकर के जाओ। इतना सेवा देने के बावजूद हमारे किसी भी एक एम्बुलेंस कर्मचारी को एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया इस कोरोना महामारी में। और पैसा मांगने पर लोग बोलते हैं, चाहे सीएस हो, चाहे जिला अधिकारी, चाहे कोई भी हो, सभी लोग यही बोल रहे हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। तो इन लोगों से पूछा जाए कि हम लोग किसके कर्मचारी हैं, किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो कह रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, तो फिर हम सेवा क्यों देंगे? पूरा जिला का एम्बुलेंस कर्मी आप लोग किए हैं? पूरे जिले के नहीं, पूरे बिहार का हड़ताल है। पॉजिटिव हरेक जो भी कर्मचारी पेशेंट को ढोते ढोते पॉजिटिव हो गया उसका भी पैसा वेतन ये लोग काट दे रहे हैं। अब बतलाइए इस स्थिति में कर्मचारी कहाँ पर जाए, किस स्थिति में या कहाँ काम करे? ठीक है, पर्चे बता दीजिए। अरविंद कुमार चौबे, जिला सचिव एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस एम्बुलेंस के जिला सचिव हैं जी।